अब अमेरिका के पास काबुल में या अफगानिस्तान में महज 24 घंटे बचे हैं। हर हाल में अमेरिका को 21 अगस्त यानी कल शाम तक अपना मिशन काबुल पूरा कर लेना है। लिहाजा जोर शोर से लोगों को निकालने का काम इस समय चल भी रहा है। तालिबान भी इसी इंतजार में है कि जैसे ही अमेरिका काबुल छोड़ेगा, काबुल एयरपोर्ट को तालिबान अपने कब्जे में ले लेगा और फिर अपने हिसाब से न केवल काबुल में बल्कि अफगानिस्तान में अपनी नीतियों को अमल में लाएगा। 31 अगस्त 2021, बस एक दिन बाकी अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने की आखिरी तारीख। आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटकर अपने देश लौटना होगा। आज 30 अगस्त है और कल आखिरी तारीख, इस लिहाज से अमेरिकी सैनिकों के लिए अफगानिस्तान में आज आखिरी वर्किंग डे है, क्योंकि कल उन्हें हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ देना होगा। अमेरिका का आखिरी सैनिक अफगानिस्तान छोड़े इससे पहले की तारीख देख लीजिए। काबुल में आग के गोले उठ रहे हैं, रॉकेट हमले हो रहे हैं, लगता है काबुल जल रहा हो। काबुल में पूरी तरह अराजक मंजर पसरा है, लेकिन इन सब के बावजूद तालिबान ने फरमान सुना दिया है कि अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान छोड़ना ही होगा, वो यहाँ रुकने की गलती ना करें। اول خب ما باور ما ای است که امریکایی ها شاید اشتباهی نکنن که وقت تمدید بکن به خیرشان نیست و این سناتورایی که تداوم جنگ را در افغانستان میخواین و از بریتانیا باشه از امریکا، آنها شاید از این جنگ منفعت میبردن. باعث جنگ در افغانستان در 20 سال وجود نیروهای بیرونی بوده. اگر نیروهای بیرونی از افغانستان منفی شوه و افغان ها حس استقلالیت بکنن، تمام مسائل خودشان حل کرده میتونن. अमेरिका पर अगर तालिबान दबाव बना रहा है तो प्रेशर मित्र देशों का भी है। देखिए किस तरह एक एक कर अमेरिका के मित्र देशों के सैनिकों ने अपने वतन की राह पकड़ ली। अफगानिस्तान छोड़ने वालों में सबसे आगे रहे ब्रिटेन के जवान। शनिवार को ही ब्रिटिश सैनिकों का पहला जत्था अफगानिस्तान से ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड शायर पहुंच गया। इस जत्थे में 16वीं असॉल्ट रेजिमेंट के 256 जवान थे। अगले ही रोज यानी रविवार को ब्रिटिश सैनिकों का एक और दल वहां फंसे लोगों को लेकर ब्रिटेन पहुंच गया। As I speak, Sir Laurie Bristow, Her Majesty's ambassador, has finally boarded one of the very last flights from Kabul. All remaining soldiers, diplomats and civil servants have now left. ब्रिटिश सैनिकों की तरह जर्मन सैनिकों का आखिरी दस्ता भी वुन्सटॉर्फ के उत्तरी एयरबेस पर लौट आए। ये शनिवार की तस्वीर है जब करीब 5300 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने में मदद करने के बाद जर्मन सैनिकों का दल 3 सैनिक विमानों में भरकर वुन्सटॉर्फ लौट आया। ब्रिटेन और जर्मनी की तरह फ्रांस का आखिरी सैनिक भी कल अपने वतन लौट गया। 3 देशों के सैनिक काबुल छोड़ चुके हैं, अब बारी अमेरिकी सैनिकों की है। अमेरिका के करीब 4000 सैनिक अभी काबुल में हैं, जो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं। अमेरिका के जाने के बाद ये पूरा इलाका तालिबान के हाथ में आ जाएगा। तालिबान को भी पता है कि चुनौती बड़ी है। और बहुत समय क्योंकि सहाय के इंफिजार दबू जो सूरत गिरफ्तार सहाय मरबूत मा मौन ना बुदा मौ आर सात मराकिब वजियत तस मंतखे मरबूत खुदा हस्तिम ये इंफिजार दर बैनी امریکایی های رخ داده که وظیفه امنیت تا وا دارن که باید اوج امنیت می گرفتن این اعتبار ما تثبیت کرده نمیتونیم که یا فرد دیر شده اوج انفجار کرده یا مواد دیر شده انفجار داده شده این نیاز به تحقیق بیشتر داره ما کار میکنیم سر موضوع که از کتیه एक तो अमेरिकी सैनिकों के रहते काबुल पर तालिबान का कब्जा और फिर आईसिस खुरासान के हमले में अमेरिका के 13 जवानों की मौत। 2 हफ्ते के भीतर हुए 2 घटनाक्रम से अमेरिका सकते में है। शुरुआती हीला हवाले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way
that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने को तैयार है. तालिबान भी अफगानिस्तान को पूरी तरह कंट्रोल में लेने को बेकरार है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान की आम जनता का क्या होगा. आज तक ब्यूरो.